अलाउद के द्वारा बामनगढ़ जीते गए हैं और प्रत्येक बामनगढ़ में जहाँ जहाँ उन्होंने जितनी संपत्ति यहाँ लाते बनी है और लाके वो बुखार पहाड़ में किसी अपने जो वहाँ सुरंगें इस तरीके की हैं, क्योंकि बुखार पहाड़ बहुत बड़ा है और कहते हैं कि पोला भी है, तो उसमें वो चलों के अंदर जहाँ भी हो तो वो अपने खजाने को उन्होंने गाड़ के वहाँ पर रखा हुआ है। महोबा के आसपास जितनी भी जगह है, हर जगह हर कोने में, जैसे यदि आप मदन सागर के दूसरे कोने में जाएं तो वहाँ पर एक इंदल की बैठक है, यदि इंदल की बैठक के आप आगे को जाएं तो एक पहाड़ है और उसी पहाड़ में वो बुखार पहाड़ का ही, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको जो है ये विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं पर्वत वो हैं, तो उसमें एक पूरी की पूरी बारात चली जा रही जैसे फौज जा रही हो, और उसमें क्या है कि घोड़े वगैरह हैं और सैनिक अपने हाथ में थैलियाँ लिए हुए हैं, तो लोगों का एक मानना है कि ये धन की और खजाने की ओर कोई संकेत करता है कि वो धन की थैलियाँ हैं। हाँ, लेखों के हिसाब से जो बावनगढ़ की इन्होंने लूट की है, तो जो प्रजा के लूट साथ में लोग लूट के लाते थे तो वो महोबा में अपने अपने घरों में गाड़ते थे, जो कि आज लोगों को कई जगह मिल रहा है। और मेन खजाना इनका जो है ये रायकोट का जो मंदिर है वहाँ का प्रमाण मिलता है कि इसमें सभी खजाने, बड़े बड़े खजाने यहाँ लाला करके उन्होंने रखे। अब आगे क्या हुआ इसको नहीं बता सकते। बावनगढ़ से जो लूट के खजाना लाए गए हैं तो उसको लाए तो वो ही है। अब जैसे लोगों का कुछ कहना है कि बावनगढ़ के पूरे खजाने की लूट या दौलत, कहते हैं जो कीरत सागर आला की बैठक है। अब देखिए सुनना है, क्योंकि स्वयं जाके जब तक ना किसी चीज़ को तो लोगों का बताना है। बहुत से लोगों ने बताया आज से 70-80 साल पहले वहाँ से सुरंग थी, और कहते हैं उस सुरंग के नीचे जब अंदर जाया जाता था तो उसमें जो देखा गया कि आपके एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है और उसमें लिखा हुआ है बामनगढ़ की लूट। कुछ उत्साही लोग नौजवान गए तो उन्होंने देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा नरकंकाल पड़ा हुआ है, जो डर के मारे चले आए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के समय में कहते हैं कि उस चुल को बंद कर दिया गया, तो अब कुछ कहा तो जा सकता नहीं क्योंकि जब अपने आप में देखा नहीं गया। लेकिन महोबा का इसलिए क्योंकि जब आपके पृथ्वीराज चौहान का जब युद्ध हुआ है कजली का, तो उस दौरान पृथ्वीराज के एक हाथी की जो है वो साकर सोने की हो गई थी कीरत सागर में। और इसके अलावा वैसे भी अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा है उन्होंने अपनी पुस्तकों में कि एक हाथी के दल को छोड़ा गया तो उसकी भी एक साकर की कड़ी सोने की हो गई थी। तो कहते हैं पारस पथरी है महुए में, लोहा छुआ सोन हो जाए, और पटो पर उस सोने से महुआ सारे जग में जान हो जाए, और रैयत रेजा ढोए में लागी ढोवे ढोवे नहीं बढ़ाए।